क्या ये हम तो वही बताए ना कि हमने हिस्ट्री को आइडियोलॉजी से रिप्लेस किया है। सिंपल वे में अगर बोलें, आप अपनी हिस्ट्री को लेके नहीं चले। आप इंडस वैली से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आप बोलते हो वो उससे तो हम उसको डिसऑन करते हो आप एक स्टेज पे। तो ये वही बात है ना, जो जिस बंदे को अपनी ओरिजिनेशन नहीं पता वो क्या दूसरों को, वो तो भैया ही वहाँ का मसला उठाएगी, वहाँ से मसला। काउंटर अटैक कर रहे हैं ना, जैसे आपने देखा कि पिछले 20 साल से इंडिया ने कंप्लीट जो है ना कंपेन चलाई हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट। हर फोरम पे जाके वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो अलग सेपरेट कर दिया जाए। पाकिस्तान में ना क्रिकेट बहाल होने दे रहा है, ना दूसरे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो इंडिया हर फोरम पे हमारे अगेंस्ट प्रॉपर सोशल मीडिया पे भी कंपेन चला रहा है। आपके मान लिया कि इंडिया कंपेन चला रहा है, इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल बहाल ना हो, ठीक है, मान ली आपकी बात, क्या पाकिस्तान खुद ये चाह रहा है कि वो बहाल हो जाए? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो फिर अब जब तक हम ये बात नहीं सोचेंगे, ये वही तो बात है कि अपने गिरेबान में देखो, फिर किसी नहीं। आज हम क्यों कनाडा को सपोर्ट करें? कनाडा को आज हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ से डॉलर आएंगे। बस हमारी जंग ये कि हमने डॉलर कहाँ से कमाने, हमने पैसा कहाँ से बनाना है, हमें सोचने के गरीब कहाँ पे असिस्टेंट कर रहे हैं, आज घी कहाँ तक चला गया, आज डॉलर कहाँ पे जा रहे हैं, इंटर मार्केट में नीचे आ रहे हैं। हमारा मसला इंटर मार्केट करें, ओपन मार्केट पर आप नीचे लेकर आए, आप डॉलर नीचे आ रहे, पेट्रोल ऊपर जा रहे हैं, ये क्यों? हमें अपने मसलों का हल का तो पता नहीं है, बस हम दूसरों के मसलों में टांग अड़ा रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम आ जाए खुद अपने मसले मिल बैठ कर हल करें। एक इमरान खान को ब्लेम कर रहा, दूसरा नवाज शरीफ को ब्लेम कर रहा है, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। पे तो मंजन बेचा जा रहा था ना कि नेशनल इंटरेस्ट है, वहां पे तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको याद आ जाता है कि कश्मीर है, आपको याद आता है इसराइल है जो हमसे काफी दूर है, वो आपको याद है, लेकिन आपके पास चाइना क्लोज है, लेकिन आपको वो उस वहाँ के मुसलमान नजर नहीं आते। तो ये वही बात है कि इम्प्रैक्टिकल सी बातें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना है, अपना टेन्योर लंबा करना है, अपने अपने आप को पावर में लाना है, ये पावर पॉलिटिक्स है, अथॉरिटेरियन सिस्टम निजाम है, इसका हर कोई चाहता है कि मजे लें और कुछ भी नहीं है। इंडिया के खिलाफ बोलूंगा तो लोग मुझे वोट देंगे, वोट देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता अब आवाम को इतना एजुकेट हो जाना चाहिए कि हम मजहब के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम हिंदुस्तान के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देंगे? जब आवाम को रोटी मिलेगा और आवाम को मतलब जब बिजली सस्ता मिलेगा, कुछ खाने के लिए मिलेगा, आज आवाम हर जगह में, आप सोचो जहाँ से खबर आएगा फलाने जगह में घर से चोरी हो गया, फलाने जगह में मोबाइल उठा गया, चोरियां हो गई, डकैतियां हो गई, खुदकुशियां हो गई, बिल ज्यादा आने में खुदकुशी हो रही है, करोड़ों मसले आ रहा है, क्यों आ रहा है? इंडिया में बहुत ज्यादा होता है पाकिस्तान अगेंस्ट नैरेटिव उनका इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं होता। और देखें सर, डोंट यू थिंक सो कि इस वक्त हिंदुस्तान जो स्टेज पे है उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान पाकिस्तान करने की? हाँ जी, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो 100 साल आगे जा चुके हैं हमसे, टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल में, आईटी में बहुत आगे जा चुके हैं वो, और गुड फॉर देम। क्या कहेंगे आप कनाडा को लेके, पाकिस्तान ने जिस तरह से उनकी चीजों को गलत हो या सही हो डिफेंड किया है और एक दफा फिर से कीचड़ उछालने की कोशिश की हिंदुस्तान पे, अब तो दुनिया और आवाम भी समझ गई है। देखें, कीचड़ उछालना तो खैर इसको नहीं कहेंगे, जहाँ पे उन्होंने एक ओपिनियन दिया होगा या क्या, एक मिनट, क्या हम किसी को इस वक्त ओपिनियन देने के काबिल है? क्या हम किसी पे उंगली रखने के काबिल है? कनाडा और इंडिया के दरमियान कुछ इख्तलाफ चल रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान ने फौरन सोचा कि ये सही मौका है अपनी जो है ना लोगों को और जोश दिलाने का, और फौरन हो गया कनाडा की साइड पर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मुद्दे का पता हो या नहीं हो, बिलावल भुट्टो जी फौरन से स्टेज पे आ गए हैं और यूएन में बैठ के बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि कत्लो गारत में हिंदुस्तान नंबर वन पे है, ये बयान आया यहाँ से। हम लोग दहशतगर्दी में, हम मस्जिदें गिराने में, हम माइनॉरिटीज पे हमला करने में, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? पहले तो हमारा मसला है ना, हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते हैं ना, सबसे बड़ा मसला ये है। फिर हमारा मसला ये है कि हम मंजन भेजते हैं, सबसे बड़ी बात मंजन भेजते हैं। अब इनके पास कुछ है नहीं करने को, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे किसी का बाप, कोई क्यों ना हो, चौधरी शुजात हो, चौधरी परवेज लाई, कोई भी हो, इनके पास अब कुछ देने के लिए है नहीं, ठीक है। ये अब मंजन बेच रहे हैं। वो सुकरात कहता था ना कि आपके पास तीन चीजें होती हैं आप अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, आप एक इथोस करते हो, एक पैथोस करते हो, एक लोगोस करते हो। जो पैथोस वाला सेक्टर वो है ना, वो है एक पेट्रियटिज्म का जज्बा, वो एक फजूल का एक आंसर डालते हो ताकि अपनी बात ज्यादा पहुंचा सके। यहाँ एक मंजन बेचने का एक तरीका होता है, तो वही है सारा, और कुछ भी नहीं है। ना स्टैंड ले सकते हैं यूएन में, ना कहीं कुछ स्टैंड, बस ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई भरोसा करे तो बेवकूफी हो सकता है। पूरी दुनिया आज इंडिया को सपोर्ट कर रही है और हमारी सपोर्ट में देखिए आज कौन खड़ा है, कोई भी नहीं। हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि दो वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है और हम जाके कभी मसला डिस्कस कर रहे हैं कश्मीर का, कभी कनाडा का, कभी तुर्की का, कभी रशिया यूक्रेन का, बनता है?
बनता तो नहीं है ना, वही बात है ना कि जब चाइना में मुसलमान कत्ल हो रहे थे वहाँ पे तो कोई नहीं बोला, पाक चीन दोस्ती निभाई जा रही थी वहाँ पे तो नेशनल, वो वहाँ पे तो मंजन बेचा जा रहा था ना कि नेशनल इंटरेस्ट है, वहाँ पे तो आपको नहीं बोला। लेकिन आपको याद आ जाता है कि कश्मीर है, आपको याद आता है इसराइल है जो हमसे काफी दूर है, वो आपको याद है। लेकिन आपके पास चाइना क्लोज है लेकिन आपको वो उस वहाँ के मुसलमान नजर नहीं आते। तो ये वही बात है कि इम्प्रैक्टिकल सी बातें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना है, अपना टेन्योर लंबा करना है, अपने आप को पावर में लाना है, ये पावर पॉलिटिक्स है, अथॉरिटेरियन सिस्टम निजाम है, इसका हर कोई चाहता है कि मजे लें और कुछ भी नहीं है। सर आप क्या राय रखते हैं इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आपको लगता है कि हम इतनी काबिलियत रखते हैं कि हम किसी के मसले में बोल सकें जब अपना मुल्क इतने मसाइल में घिरा हुआ है? हम खुद मसलों में अड़े हुए हैं, हम खुद नहीं जानते क्या हमारे ऊपर हमले सरगर्दू में कौन कर रहे हैं, कौन हम खुद ये इसको हल करें कि शिया और सुन्नी क्यों आमने सामने खड़े हैं। हम एक स्टेप दूरी पर हैं, खुद आपस में अपने घर में रहने के लिए हम खुद एक स्टेप दूरी पर हैं, तो हमें सबसे पहले खुद अपने मसले हल करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। नैरेटिव किस बेस पे बिल्ड करते हैं? एक तो रिलीजन के बेस पे, दूसरे इंडिया के बेस पे कि इंडिया ये कर रहा है। और खुद अपने मुल्क में देखो, इंडिया तो चांद पर पहुँच गया, हम आज भी जमीन पर हैं। तो हम खुद अपने मसले हल करें, इससे अच्छा है कि हम दूसरों के मसले में। सर आज आजाद कश्मीर हमारे साथ रहना नहीं चाहता, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जाने को घूम रहा है, सिंध के अंदर जो सूरत हाल है आप लोगों के सामने है, गिलगित को आप देख लें क्या उसकी हुई हुई है कंडीशन, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर भी हम कहें कि जुल्म वहां होता है, लोग वहां खुश नहीं है, जिसको पूरी दुनिया मान रही है कि यार आज वो तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, हम आज भी चूंच कर रहे हैं कि नहीं, किसी तरह हम इसका इमेज डाउन करें जबकि दहशतगर्दी वाला इमेज पूरी दुनिया के सामने हमारा पोर्ट्रे हुआ हुआ उनका नहीं हुआ। आज हम क्यों कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं? कनाडा को आज हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ से डॉलर आएंगे। बस हमारी जंग है कि हमने डॉलर कहाँ से कमाने, हमने पैसा कहाँ से बनाना है, हमें सोचने के गरीब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आज की कहाँ तक चला गया, आज डॉलर कहाँ पे जा रहे हैं, इंटरनल मार्केट में नीचे आ रहे हैं, हमारा मसला इंटर मार्केट का नहीं, ओपन मार्केट पर आप नीचे लेकर रहे हैं, आप डॉलर नीचे आ रहे हैं, पेट्रोल ऊपर जा रहे हैं, ये क्यों? हमें अपने मसलों का हल का तो पता नहीं है, बस हम दूसरों के मसलों में टांग अड़ा रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम आज खुद अपने मसले मिल बैठ कर हल करें। एक इमरान खान को ब्लेम कर रहा है, दूसरा नवाज शरीफ को ब्लेम कर रहा है, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा कि हमने आवाम को के लिए कौन से पैकेजेस लेकर आने, बस हमने पॉलिटिशियन के बारे में सोचना है कि किसको कितना जेल देना है, जुडिशरी ने क्या फैसला करना है, और हर कोई अपना काम करे, सेपरेशन ऑफ पावर हो, मतलब कि हर इदारा खुद अपना काम करे। आज फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी का फैसले भी एक बंदा कर रहा है, पार्लियामेंट का फैसला भी वही बंदा कर रहा है, मतलब कि हमने पार्लियामेंट में ऐसी चीजें बनाई हुई, मतलब कि और मैं हुकूमत वो जो निगरान बिठाई हुई है, निगरान हुकूमत है लेकिन पीछे से कोई और चला रहा है, निगरानी नहीं है मुल्क की, सारे पपिट्स बैठे हुए हैं, मतलब कि कोई और चला रहा है, सिर्फ शो ये कर रहा है कि मतलब कि किस चेयर पे कौन बैठा है। सर एक अदद नामवर शख्सियत है हमारे पाकिस्तान की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हर दूसरे दिन ट्रेंड में रहने का उनको बहुत खासा शौक है, वही बिलावल भुट्टो पहुंचे हैं अब दोबारा से चूंच लड़ाने, फिर इंडिया कनाडा के मसले में क्या कहेंगे, कभी उनको कश्मीर के मसले में आके बोलना होता है, कभी उनको रशिया यूक्रेन के मसले में बोलना होता है, कभी वो अमरीका के पीछे पड़ जाते हैं, क्या इशू क्या उनके साथ? इशू ये है कि इनको बस अपना ही जो है करप्शन, एक तो सीधी बात इनको अपना चाहिए, अपना सेलिब्रिटी समझते हैं क्या वो खुद को? ऐसा बिल्कुल है भी नहीं, और एक तो मैं आवाम को भी ब्लेम देता हूँ, उनको कुछ पता नहीं है, उनको अपने राइट्स नहीं पता, इसलिए अगर उनको अपने राइट्स पता हो ना फिर ये किसी को भी सपोर्ट ना करें, वो अपने हक के लिए बोलने की आवाज़, हम अगर दो पार्टियां लड़ती हैं तो हम आपस में लड़ते हैं, आवाम मसला हम हमारे अंदर है, पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे तो हम दूसरों पर भी ब्लेम कर सकते हैं। आज कनाडा के वीजे जो हैं बैन कर दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर, मतलब वो इतनी, हालांकि इतना लॉस हुआ है उस मुल्क को, लेकिन वो इतनी वर्थ रखता है कि वो अपने मुल्क के सिटीजन के लिए फैसला कर सके, हमारे मुल्क में तो हम इतनी वर्थ भी नहीं रखते कि हम अपने मुल्क के सिटीजन के लिए फैसला कर सके, कोई मुल्क जितना मर्जी जबर करे हमारे मुसलमानों पर हमारे लोगों पर हम डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हम डॉलरों के हाथों मजबूर हैं, लेकिन हम जाके फैसले कर रहे हैं दूसरों के। बिल्कुल आज आप देखिए, मतलब कि जो ईसाइयों के हमने चर्च जला दिए, मतलब कि हम खुद दूसरों मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, हम खुद दूसरों को जवाब दे, लेकिन हम वो नहीं सोच रहे कि हमने क्या जवाब देना है, लेकिन फलाना क्या कर रहा है हमने उसके बारे में सोचना है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या है, हम खुद अपने मुल्क के मसले हल करें, इंडिया को छोड़ दे, वो कहाँ पे आज स्टैंड करें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, मतलब कि उनके डॉक्यूमेंट्स देख लें हमारे देख लें, किसी भी मुल्क के हमारे साथ नहीं बनती है, बस हम चाहते हैं कि बस जहाँ से डॉलर आए बस हम अपने पॉकेट्स भरे, बस ये उनको टेरिटोरियल तो कह रहे हैं सर, हमारी अपनी दहशतगर्दी की क्या स्टेटमेंट है? एक स्टेप आगे आ जाएं, आज देखें पूरी दुनिया में दहशतगर्द मुल्क के नाम से जानती है। इन्होंने ना शुरू से, इन्होंने जो बोलते हैं ना एक वक्त था 47 तक कॉलोनियलिज्म का, जो उसके बाद एक नया
सेटअप है न्यू कॉलोनियलिज्म का, वो वही है जब जैसे होता है ना पैट्रनेज होता है कि आपके ऊपर किसी का दस्त शफकत है, वही चलता आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर डोनेशन थ्योरी, बिल्कुल ये तो अभी अब यहाँ क्या है, हम तो वही बताए ना कि हमने हिस्ट्री को आइडियोलॉजी से रिप्लेस किया है। सिंपल वे में अगर बोले, आप अपनी हिस्ट्री को लेके नहीं चले, आप इंडस वैली से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आप बोलते हो वो उससे तो हम उसको डिसऑन करते हो आप एक स्टेज पे। तो ये वही बात है ना, जो जिस बंदे को अपनी ओरिजिनेशन नहीं पता वो क्या दूसरों को, वो तो भैया ही वहाँ का मसला उठाएगी, वहाँ से मसला उठाएगी, वहाँ से मसला उठाएगी। सर गाते हिंदुओं का है, पहनते अमरीकियों का है, खाते जो है ना IMF से सूद पे लेके हैं, और जज्बा रखते हैं मुसलमान होने का। सूदी निज़ाम अभी ये देखे ना आप, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, किसी रिलीजियस पार्टी को मैं इस बात पे कोई ब्लेम करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक सेटअप है ना। अब इसहाक डार साहब 98 से कह रहे हैं कि सूदी बगैर सूद निज़ाम, उनकी हुकूमत इस बार 3 बार उसके बाद आ चुकी है, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये मैं नहीं समझता इनको, इनके हाथ में कुछ है और ये ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप वो बोलते ना ये यहाँ से नेक्स्ट से आपको ना इंस्टीट्यूट से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उसने पकड़ा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। फिर इंडिया की लेग पुलिंग बार बार क्यों? इंडिया की लेग पुलिंग वही बात है ना कि अब आउट वो बोलते ना 2019 तक, इवन के उसके बाद भी अब थोड़ा अपने ऊपर जब बातें आनी स्टार्ट, लोगों को अवेयरनेस आ गई एक हद तक, मैं नहीं कहता वो सारी आ गई, एक हद तक आने लगी है, फिर उसी चीज को उजागर कर रहे हैं कि भाई इंडिया 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 आपके मसले, आपकी 3 चीजें हैं, आप रिलीजियस कार्ड खेलो, आप एंटी इंडियन कार्ड खेलो, या एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को, बस ये आपने सेंटिमेंट्स उजागर करने हैं, लोग आपके हक में निकालेंगे, आपको वोट पड़ेंगे, आपने 5 साल गुजारी है, 5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ, फिर एक पार्टी जाएगी, फिर दूसरी पार्टी आएगी, फिर तीसरी पार्टी आएगी, ये इस तरह ही चलता रहेगा, और मेरे आप जैसे इस तरह ही खड़े रहेंगे रोड पे। इस चीज को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए बेहतर करने के लिए तो सिंपल सी बात है, अगर आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ना, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, सूडो डेमोक्रेसी मैं इसको कहूंगा, सूडो उसको जिस तरह आप बोलते हो ना, एक हद तक आप कह सकते हो कि एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, आप हर किसी का अपने पावर कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हर कोई अपना काम करे, हर किसी हर चीज हो जाएगी, ये जरूर 70 साल से तो कुछ नहीं हुआ। तो वही तो बात है ना, न्यू कॉलोनियलिज्म ने जब उड़ान पकड़ी, आप 53 में देख लें, आप 53 में देख लें, आपका जो वो था डिफेंस मिनिस्टर वो एक आर्मी चीफ का वो था, मतलब आर्मी चीफ का कंटेंडर था। तो जब यहाँ से बात स्टार्ट होती है ना, मतलब आपके पास डेमोक्रेटिक डिप्लोमेट है ही नहीं उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो आप यही है, फिर उन्होंने अपने कदम जमाए, आज उनके रूट्स स्टेम हो गई हैं कि अब उन्हें कुछ नहीं हो सकता। सर हमने मुल्क बनाया था, एक कदम आगे आइएगा, हमने मुल्क बनाया था इस्लाम के नाम पे, जज्बा भी हम मुसलमानों वाला रखते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं ना वो हमारे रिलीजन से मैच करते हैं, ना हमारी हरकतें और हमारी आदत मैच करती है, ना हमारा रहन सहन मैच करता है, क्या फायदा था इस मुल्क का? बिल्कुल आपने इस्लाम के नाम पर इसको तो बनाया, लेकिन सॉरी टू से फोनोग्राफी यहाँ पे सबसे ज्यादा देखी जाती है, सूद यहाँ पे सबसे ज्यादा है, हम सिर्फ मतलब कि हम इस्लाम कार्ड यूज करते हैं, नाम के मुसलमान रह गए, हमें डॉलर जहाज से आते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, मतलब कि कितने सूद पे आ रहा है, हम कैसे कमा रहे हैं, मतलब कि उस हमें कोई वो नहीं है, बस सिर्फ हमने इस्लाम कार्ड के लिए। कैसे बदल सकता है निजाम? निज़ाम वही है, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, हर कोई अपना काम करेगा तो बिल्कुल ही ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हमें सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा कि हमने पास में गलतियां की है, अभी हमें मिल बैठ कर सोचना होगा, हमने जीरो से स्टार्ट लेना होगा, हमने ये नहीं देखना कि इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, कनाडा क्या कर रहा है, हमने जीरो से स्टार्ट लेना है, गलतियाँ एक्सेप्ट करनी है, लोगों को सोचना है, एक स्पेसिफिक फैमिली का हमें नहीं सोचना है। ऐसा ही है सर, हम लोग आज रोटी कपड़ा मकान पे अटके हुए, और आज से जब भुट्टो का जमाना था तब भी रोटी कपड़ा मकान का नारा था, और आज 2023 में कौन सी सदी आ चुकी है और आज भी रोटी कपड़ा मकान का नारा, बात करेंगे, आ जाए इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम आपका? उस्मान। उस्मान साहब, सर मेरा सवाल ये है कि आज इंडिया और कनाडा के दरमियान कोई लड़ाई जंग फसाद जो भी इशू चल रहा है उसके दरमियान पाकिस्तान जाके चूंज कर रहा है, पाकिस्तान के अपने मसले खत्म हो गए हैं क्या? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाके जगह जगह बैठ के कहते हैं कि हिंदुस्तान तो दहशतगर्द मुल्क है, उनका तो काम ही ये है, आज देखो जुल्म कर रहे हैं कनाडा पे, आज देखो ये कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें हमारे अपने मुल्क में खत्म हो गई है जो हम दूसरों को जाके बातें करने लग गए हैं? अब पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना। तो बिलावल भुट्टो साहब तो काउंटर अटैक कर रहे हैं ना, जैसे आपने देखा कि पिछले 20 साल से इंडिया ने कंप्लीट जो है ना कंपेन चलाई हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट, हर फोरम पे जाके वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है ना वो अलग सेपरेट कर दिया जाए, पाकिस्तान में ना क्रिकेट बहाल होने दे रहा है,
ना दूसरे फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो इंडिया हर फोरम पे हमारे अगेंस्ट प्रॉपर सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चले। बकौल आपके मान लिया कि इंडिया कैंपेन चला रहा है, इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल बहाल ना हो, ठीक है, मान ली आपकी बात, क्या पाकिस्तान खुद ये चाह रहा है कि वो बहाल हो जाए? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो फिर अब जब तक हम ये बात नहीं सोचेंगे, ये वही तो बात है कि अपने गिरेबान में देखो फिर किसी को बात करो। जब हम खुद ही नहीं चाह रहे ग्रो करना, जब हम खुद ही नहीं चाह रहे कहीं दुनिया में बोलना, खुद को अच्छा रिप्रेजेंट करना, इतने बरसों से दुनिया चीख रही है यार दहशत गर्दी हो रही है तुम्हारे मुल्क से, दहशत गर्दी हो रही है, अफगानी आज अफगानी हमसे नहीं संभाले जा रहे, TTP वाले आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला कर रहे हैं, हमसे नहीं संभाले जा रहे, बातें कर रहे हैं, फिर हम उठ के इस्लाम के नाम पे कभी किसी मुल्क को, कभी किसी कौम को, कभी किसी कल्चर को कि यार ये लोग जो है ना एंटी रिलीजन है, रिलीजन का कार्ड प्ले करके हम हर जगह सच्चे हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपने मिक्स कर दिया काफी सारे। तो ये है कि जो टेररिज्म को अगर हम लें तो टेररिज्म आप देखें ना, इस्लामिक कंट्रियां हैं तो आपके ये इधर रीजन में, ये बरसगीर में आपके दो जो हैं वो दुश्मन मुल्क हैं। तो अभी जो कनाडा में प्रूव हो चुका है कि रॉ जो है वो प्रॉपर एक्टिविटी कर रही है उनके अगेंस्ट ना, तो अभी पाकिस्तान में प्रूव करने वाला भी कनाडा खुद ही है। किस वर्ल्ड ने प्रूव किया? कनाडा ने खुद ही किया ना, उन्होंने तो एविडेंस भी प्रोवाइड किए ना, और वो किलिंग भी तो हुई है ना। अगर जब आपने देखा कि वो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है इंडिया में हुआ है, तो उसके अभी तक वो कातल का भी नहीं पता चला। सर आप एक सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की बात कर रहे हैं, यहाँ अशरफ का कत्ल हुआ पता चला आपको? अमार बच्चा जिसका कत्ल कातिल है ही नहीं, पूरी कौम कातिल है उसकी, पूरा पाकिस्तान कातिल है, कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ हर दूसरे दिन सहाफत का कत्ल होता है, यहाँ हर दूसरे दिन आजादी का कत्ल होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कत्ल होता है, हर दूसरे दिन मजहब का गला घोटा जाता है, तब तो कोई नहीं बोलता। एक सिद्धू मूसेवाला आज तक याद है सबको, बजता भी होगा, सुनते भी होंगे सब, क्योंकि वो इंडिया में था। पाकिस्तान का कत्ल बताएं मुझे कि हमने जिसके खिलाफ आवाज उठाई हो, जिसको हमने अंदर किया हो, आज बेकसूर लोगों से जेलें भरी हुई हैं और बाकी आजाद उम्मीदवारों की तरह बाहर घूम रहे हैं। बोलते हैं पाकिस्तान में भी काफी लोग बोलते हैं लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। सर यही मसला है ना कि हम अपने अपने ऊपर नहीं बात करते लेकिन हमें हिंदुस्तान जरूर नजर आता है। बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मुस्तफा। सॉरी, मुस्तफा। मुस्तफा सर, सवाल आपसे ये है कि आज हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान में इख्तलाफ चल रहा है, उस इख्तलाफ में पाकिस्तान ने सोचा कि वो तो इश्तिहार में है, हम हेडलाइन से पीछे कैसे रह जाए, हमें भी होना चाहिए क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी रह ना जाए जिसमें पाकिस्तान सामने नाम पे ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हिंदुस्तान दहशतगर्द मुल्क है, देख लिया क्या? पूरी दुनिया को आज उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जो दहशतगर्दी इल्जाम हम पे लगते थे वो हम पे नहीं लगने चाहिए, वो हिंदुस्तान पे लगने चाहिए। क्या हम वाकई इस काबिल हैं कि हम दूसरों पे उंगलियां कस सकें? आप देखिए हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। ये बात पता क्या है, असल में जब पहला नून लीग का हुकूमत था तो तब शहबाज शरीफ क्या कहता था, जरदारी आप सुन ले कि मैं आपको गाड़ी का साथ बांध के लाहौर गलियों में कैसे टूंगा और आपने पूरा वाम का पैसे खाए हुए। जब नून लीग का हुकूमत आ रहा था तब ये जरदारी के खिलाफ ऐसे बात कर रहा था ना, तो उसके बाद जब इसके इमरान खान का हुकूमत आ गया तो ये सारे फिर इकट्ठे हो गए, इनसे अपना मलक नहीं सुमा ले जाता है तो बार क्या करेगा। इंडिया अगर मतलब पाकिस्तान में जब सैलाब छोड़ता है तब ये सारे बाहर चले जाता है, उसमें कौन मरता है? गरीब आवाम मरता है, जिनके मतलब माल डंगर भी चले जाता है, जिनके मतलब बच्चे भी चले जाता है, उस वक्त ये कोई भी नाम नहीं लेता है। इस वक्त जरदार दिलावर को क्यों याद आ गया? क्या क्या इलेक्शन है, मैं इलेक्शन में आगे हो जाऊं, मैं इंडिया के खिलाफ बोलूंगा तो लोग मुझे वोट देंगे, वोट देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता आवाम को इतना एजुकेट हो जाना चाहिए कि हम मजहब के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम हिंदुस्तान के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम कश्मीर के नाम पे वोट नहीं देंगे? देंगे जब आवाम को रोटी मिलेगा और आवाम को मतलब जब बिजली सस्ता मिलेगा, कुछ खाने के लिए मिलेगा। आज आवाम हर जगह में, आप सोचो जहाँ से खबर आएगा फलाने जगह में घर से चोरी हो गया, फलाने जगह में मोबाइल उठा गया, चोरियां हो गई, डकैतियां हो गई, खुदकुशियां हो गई, बिल ज्यादा आने में खुदकुशी हो रही है। कोरोना मसले आ रहा है, क्यों आ रहा है? महंगाई की वजह से आ रहा है। किसी सियासत वाले ने आवाज उठाया कि महंगाई ज्यादा हुआ? जब इमरान खान का हुकूमत का तब कह रहे थे कि हम महंगाई के खिलाफ आ गया, 13 हुकूमत थे या 14 हुकूमत थे जितने भी थे यही कहते थे कि हम महंगाई के खिलाफ आ गया। आज वो कितने दफा हो गए, कोई लंदन बैठे ने, कोई इंग्लैंड बैठे ने, कोई कितने बैठे ने, तो अभी कह रहे हैं इंडिया की सरगर्दी कर रहा है। पाकिस्तानी कौम भी तो बड़ी बेवकूफ बन जाती है, हर दफा जज्बाती हो जाती है, जब जिक्र आता है कश्मीर का जज्बाती हो जाती है, जब जिक्र आता है हिंदुस्तान का तो कहते हैं दुश्मन है हमारे, हम नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। सर किस नाम की दुश्मनी? अंदर ही जो दुश्मनी चल रही है उसको तो समेट लें पहले। असल बात ये कि आवाम का अपना इत्तेफाक नहीं है,
कोई भी पार्टी से मतलब अगर एक आदमी उठता है ना तो अवाम जो आधे हो जाता है, आधे एक साइड पे चले जाते हैं, आधे दूसरे साइड पे आ जाते हैं। अगर अवाम सारे इकट्ठे हो जाओ ना और किसी का साइड ना ले, उसी बंदे का एक बंदे का साइड ले ले तो कभी भी ऐसे नहीं। सर बजा फरमा रहे हैं, हर बंदे ने डेढ़ इंच की अपनी मस्जिद बनाई हुई है, बात करेंगे। वालेकुम सलाम, क्या नाम आपका? अरसलान। अरसलान अरसलान, आज का मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान हमेशा बहुत आदत है पाकिस्तान की दूसरों के काम में चून चढ़ाने की, और इस दफा भी पाकिस्तान ने यही किया है। इंडिया और कनाडा के आपस में इख्तलाफ या जो भी मसला चल रहा है उसको पाकिस्तान ने इंडिया कनाडा को डिफेंड करते हुए कहा है कि ये सारी गलती इंडिया की है, और इंडिया हमेशा ऐसी ही चीजें करता है, सारी दहशतगर्दी हिंदुस्तान से आती है और लोगों को मारना इनके लिए नॉर्मल बात है, जिसकी तनकीद जिस पे जो है ना जिस बात को डिफेंड बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया, क्या कहेंगे आप? देखें जी, बिला वजह किसी पे तनकीद करना और जो अंदरूनी हमारे मसाइल हैं उसको लेके इंडिया को टारगेट करना सही बात नहीं है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्लियामेंट है उसके एक मेंबर ने ऑन कैमरा इजलास के अंदर कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि पाकिस्तानी आर्मी इज इन्वॉल्विंग इन टेररिज्म एंड टेररिज्म फंडिंग एज वेल, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए। सर हमें ये स्टेटमेंट थोड़ी देखनी है कनाडा की, हमें तो ये देखना है कि हिंदुस्तान के खिलाफ क्या है। हमने तो सिर्फ वो बोलना आंखें बंद करके क्योंकि इलेक्शन करीब है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो इलेक्शन नैरेटिव होता है वो इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, पाकिस्तान अगेंस्ट नैरेटिव उनका इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं होता। और देखें सर, डोंट यू थिंक सो कि इस वक्त हिंदुस्तान जो स्टेज पे है उनको जरूरत नहीं है पाकिस्तान पाकिस्तान करने की? हाँ जी, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो 100 साल आगे जा चुके हैं हमसे, टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल में, आईटी में बहुत आगे जा चुके हैं वो, और गुड फॉर देम। क्या कहेंगे आप कनाडा को लेके, पाकिस्तान ने जिस तरह से उनकी चीजों को गलत हो या सही हो डिफेंड किया है और एक दफा फिर से कीचड़ उछालने की कोशिश की हिंदुस्तान पे, अब तो दुनिया और आवाम भी समझ गई है? देखें, कीचड़ उछालना तो खैर इसको नहीं कहेंगे, जहाँ पे उन्होंने एक ओपिनियन दिया होगा या एक मिनट, क्या हम किसी को इस वक्त ओपिनियन देने के काबिल हैं? क्या हम किसी पे उंगली रखने के काबिल हैं? हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, हम खुद किस जगह पे हैं? देखें, ये हमारे हुक्मरानों का बड़े शुरू से ही वतीरा रहा है कि वो हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते रहते हैं, अपने गुनाहों को वो छुपाते हैं और दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, तो ये भी इसी तरह की एक मिसाल नजर आ रही है कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए जो है वो इंडिया को मतलब टारगेट किया है। फिर से नो डाउट कि इंडिया की तरफ से भी कुछ ऐसे मामलात होते रहते हैं कि हमें बोलना पड़ता है मीडिया पे आके, कश्मीर में लेके या कुछ और जगहों पे, तो रिएक्शन तो डेफिनेटली आएगा फिर। लेकिन इसी तरह गलत साइड पे डिफेंड करना और सिर्फ इसलिए उनको टारगेट करना कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हम उनके केस जाएं, ये बिल्कुल गलत। सर आपने कहा कश्मीर को लेके, कश्मीर का मुद्दा जो है ना, मैं लिटरली अब थक चुकी हूँ इस पे बोल बोल के, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी है कश्मीर का, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मुझे नहीं पता आपने न्यूज कहाँ दुखी देखी कहाँ सुनी, लेकिन सब सिर्फ सारी बातें साइड पर रख के सिर्फ इतना बता दें कि हमारा कश्मीर छोड़ दो, बलूचिस्तान छोड़ दो, सिंध छोड़ दो, पंजाब का हाल क्या है? कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक फॉरेनर आया था और उस बंदे ने कहा कि मैंने आज तक जितने मुल्क विजिट किए हैं इतने बैगर्स मैंने किसी मुल्क में नहीं देखे जितने इस बरकत मार्केट में मुझे पिछले आधे घंटे में जो है ना टकराव हुआ जिनसे, जो मेरे और मैं लिटरली अफसोस कर रहा हूँ कि यार इतना गरीब मुल्क है, दूसरा बंदा भीख मांग रहा है, और ये ना सिर्फ यहाँ पे, जो बेचारा वीजा लेके बाहर भी चला जाता है या डंकी लगा के वहाँ जाके भीख मांगता है कि यार अब तो डॉलर्स और पाउंड में मिलेगी। देखें, ये तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया है, भीख मांगना जो है वो एक तरह से ट्रेडमार्क बनता जा रहा है पाकिस्तानियों का, जो कि बड़े शर्म की बात है इंटरनेशनली भी और मुकामी सतह पे भी। सर जब हमारी मेजर जगह ही ऐसी है, हमारा नेशनल लेवल पे ही इमेज ये है, टेररिज्म में हम बड़े आगे हैं, भीख मांगने में हम बहुत आगे हैं, चाइल्ड लेबर हो या चाइल्ड मैरिज हो, हर चीज तो हमारे अंदर हो रही है, रिलीजन के नाम पे हम धंधा कर रहे हैं। देखें, एज अ कौम बहुत सारी, बल्कि कहना चाहिए कि लातदाद इखलाकी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं।